तो गाइज ये देखिए, ये हाईटेक कॉलेज का कैंपस और ये देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आपको लेके चल रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक कॉलेज है और ये एक इसका मैं इस वीडियो में पूरा कैंपस दिखाने वाला हूँ। और ये कॉलेज गाज़ियाबाद में है और गाज़ियाबाद में इसकी काफ़ी नाम है और इसके अंदर हर तरीके की वे एजुकेशन कराई जाती है, बीटेक से लेके एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए सभी प्रकार की डिग्रियां इसमें कराई जाती है। तो चलिए चलते हैं, आपको हाईटेक की कैंपस आपको टूर करवाते हैं इस वीडियो में और दिखाते हैं आपको पूरा कैंपस कैसा है हाईटेक का और अपना ओपिनियन बताएंगे। और इसके अंदर मैं भाई इस टाइम स्टडी कर रहा है बीबीए फर्स्ट ईयर में है। और तो मैं अपने भाई के माध्यम से इस कॉलेज में मैं गया था और विजिट किया और इसके कैंपस की वीडियो बना के लाया हूँ। तो चलिए चलते हैं, आपको पूरा कैंपस दिखाते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये है NH9 और हाईवे के जस्ट सामने यहाँ पे हाईटेक का बोर्ड लगा हुआ दिखेगा और यहाँ पे है हाईटेक कॉलेज। और देखने में देखिए बाहर से कितना गुड लुकिंग है और देखने में भी बढ़िया लग रहा है। लोकेशन की बात करें तो काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, आपको लेके जाते हैं और ये पूरा कैंपस का टूर करवाएंगे। तो देखिए ये है इसका मेन गेट, अब हम इसके अंदर से एंट्री मारते हैं। तो ये देखिए सामने ये फ्लैग लगे पड़े हैं, इंडिया के फ्लैग हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे हाईटेक का बड़ा बड़ा बोर्ड है और साइड में मंदिर भी बना है जैसा कि आपने देखा था। ये देखिए बड़ा बड़ा हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो गाइज ये देखिए, ये थर्ड फ्लोर से व्यू है हाईटेक कॉलेज का जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी बढ़िया व्यू है। और चलिए चलते हैं, आपको इसके अंदर बीटेक की क्लासेस दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देखिए, ये है बीटेक की क्लासेस और यहाँ पे बैठ के बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। बात करें ये हाईटेक का है, हाईटेक की क्लासेज हैं जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया से इसमें ब्रेंच वेंच लगी पड़ी है। और ये देखिए यहाँ पे एक विंडो एसी भी दी गई है जिसमें गर्मी में हमें राहत देते हैं बच्चों को। तो देखिए काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज ये देखिए, ये है हाईटेक कॉलेज का ऑफिस और यहाँ पे जो सामने आपको शीशे लग के ऑफिस टाइप का बना है, ये एडमिशन काउंटर बना है, सेल कहते हैं इसे, एडमिशन सेल। इसके अंदर एडमिशन के लिए जितने भी पेरेंट्स आते हैं इसी के अंदर मीटिंग वोटिंग होती है। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा है और एरो बना है, हम अभी जा रहे हैं कंप्यूटर लैब में और आपको दिखाते हैं कंप्यूटर लैब। इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि इसके अंदर बीटेक और बीसीए के बच्चे जाते हैं, एमसीए के। तो ये देखिए ये कंप्यूटर लैब और ये इसका कॉरिडोर है, काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा। और ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा कंप्यूटर लैब है, ये देखिए। और काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इसके अंदर कंप्यूटर सीखते हैं। और सामने ऑफिस बना हुआ है कंप्यूटर का, इसके अंदर हम कुछ भी अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए पूछने जा सकते हैं। तो बस इतना ही। तो गाइज देखिए, मैं आपको थोड़ा बहुत कैंपस दिखा देता हूँ अंदर से। तो अंदर से देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं और ये है मिनी बस और ये सामने लाइब्रेरी है हाईटेक का, लाइब्रेरी भी काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर। और ये वैन है, देखिए ये वॉशरूम है सामने, काफ़ी बड़ा कैंपस है। बात करें तो ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, छोटा मोटा नहीं है। और ये सब ये स्टूडेंट हैं जो इसमें से पास आउट हो चुके हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं हाईटेक की तरफ से। तो गाइज ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये एक स्टेज टाइप का है, ये जो आपको यहाँ पे सीढ़ी जीना सा बना हुआ है इसके ऊपर बच्चे बैठते हैं, मतलब स्टूडेंट बैठते हैं। और ये जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ इस टाइम, ये इसका स्टेज है, कोई भी स्पीच देनी होती है तो इसके ऊपर खड़े होकर स्पीच देते हैं और बच्चों को सामने ही बैठते हैं, काफ़ी बढ़िया था वे। और ये देखिए ये ब्लॉक थर्ड है, इसके अंदर बीसीए और एमसीए के बच्चे पढ़ते हैं।
देखिए ये भी काफ़ी बड़ा है, तो इसके अंदर सबके अलग अलग हुए बने हैं, ब्लॉक बने हुए हैं। MBA वाले और BBA वालों का अलग है, BTEC वालों का अलग है, पॉलिटेक्निक वालों का अलग है, तो सबका अलग अलग ब्लॉक बना हुआ है। तो ये देखिए यही है, देखिए इसके अंदर रोड बना है कितना बढ़िया बढ़िया तरीके से। देखिए ब्लॉक 3 का मतलब यहीं से जाते हैं 2nd-3rd फ्लोर पे। तो गाइस ये देखिए लेफ्ट साइड में ये है कैंटीन, और ये मेरे राइट साइड में ये मैस है। मैं आपको मैस का पूरा वीडियो दिखाता हूँ अंदर से कैसे है। तो चलिए चलते हैं मैस के अंदर। तो गाइस देखिए ये है मैस, और मैं जिधर खड़ा हूँ उधर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड को, बच्चों को देते हैं, और सामने बेंचेज लगे हैं, इसी पे बैठ के बच्चे खाते हैं। तो गाइज ये देखिए ये हाईटेक का एक मिनी पार्क कह सकते हैं, और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, पेड़ पौधे भी काफ़ी लगे पड़े हैं, तो एनवायरनमेंट का काफ़ी ध्यान रखा गया है। देखिए पूरे कॉलेज में ही आपको जहाँ देखो वहाँ पे हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए दिखेंगे। और ये देखिए सामने ये कैंटीन है, ये है कैंटीन, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो अवेलेबल होती है, पर अपने पैसे देख के ख़रीदना पड़ता है, पेमेंट कीजिए और लीजिए। तो गाइज ये देखिए ये कैंटीन का 2nd फ्लोर, और इसके यहाँ पे टेबल दी गई है हमें अपना खाना देखिए खाने के लिए, काफ़ी बढ़िया है। तो ये है थोड़ा व्यू, और ऊपर बात करें छत पे काफ़ी सारी डेकोरेशन की गई है। तो गाइज ये है कॉमर्स डिपार्टमेंट, और ये अलग है, इसके अंदर MBA BBA BCOM के स्टूडेंट पढ़ते हैं। और ये देखिए ये अंदर से कुछ ऐसा है। तो गाइज ये देखिए ये है कॉमर्स डिपार्टमेंट का क्लासरूम, और इसमें अभी ब्रेंचेज नहीं है क्योंकि पेपर चल रहे हैं, इसके ब्रेंचेज बाहर निकाली गई थी। तो ये है, तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो खाली है, ये सब हाईटेक वालों का ही है, और इसके अंदर ये काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, काफ़ी बड़ा है हाईटेक। तो एक बार विज़िट कीजिए जिसे एडमिशन करवाना है दिल्ली NCR में। और ये देखिए सामने पार्किंग यार्ड कह सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचरों की मतलब गाड़ी पार्क होती है, काफ़ी बड़ा है, तो कहीं भी पार्क कर लो यार, कोई भी नहीं है। तो गाइस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने इसमें हाईटेक के पूरा कैंपस आपको दिखाया हूँ, और इसके अंदर जो कंप्यूटर क्लासेज हैं वे मैंने आपको दिखाया, और इसके अंदर लाइब्रेरी की सुविधा और हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, और कैंटीन की सुविधा भी है, और काफ़ी बड़ा कॉलेज है ये, और काफ़ी बढ़िया है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है डासना मसूरी के साइड, और ये डासना मसूरी है गाज़ियाबाद में, ये दिल्ली NCR का लोकेशन है। और बात करें तो इस कॉलेज का, ये काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, और आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और ऐसे ही नए नए कंटेंट में आगे भी लाता रहूँगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।